इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान में बने 50 AICC सदस्य, ये बड़ी खबर, लिस्ट में लगभग सभी मंत्रियों के नाम शामिल हैं। कुछ मंत्रियों को भी AICC मेंबर बनाया गया है, लेकिन लिस्ट में नहीं दिखा धारीवाल और महेश जोशी का नाम। सामान्य से 14, OBC से 28, SC से 5 और ST वर्ग से 3 चेहरे लिए गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राजस्थान से 50 AICC सदस्य बनाए गए हैं, जो पिछली बार की अगर बात की जाए तो 70 से ज्यादा थे, लेकिन इस बार राजस्थान से बने हैं 50 AICC सदस्य और लिस्ट में लगभग सभी मंत्रियों का नाम है। कुछ विधायकों को भी AICC मेंबर बनाया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है लिस्ट में धारीवाल और महेश जोशी का नाम नहीं है। सामान्य से 14, OBC से 28, SC से 5 और ST वर्ग से 3 बड़े चेहरे लिए गए हैं। ये बड़ी खबर, इससे पहले डिस्कशन हुआ था और क्योंकि हाल ही में मुलाकात हुई थी PCC चीफ की, गोविंद सिंह डोटासरा की मुलाकात हुई थी KC वेणुगोपाल से, साथ में प्रभारी भी मौजूद थे। और मुलाकात में गोविंद सिंह डोटासरा ने KC वेणुगोपाल को लिस्ट सौंपी थी AICC सदस्यों की और उसके बाद ये तमाम चर्चा हुई थी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर ये है कि जो लिस्ट 50 नामों के सामने आई है AICC सदस्य की, उसमें लगभग सभी मंत्रियों के नाम है, लेकिन बड़ी बात यह है कि धारीवाल और महेश जोशी का नाम नहीं है। और देखिए लिस्ट सामने आ गई है, ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। सामान्य से 14, OBC से 28, SC से 5 और ST वर्ग से लिए गए हैं 3 चेहरे। और क्योंकि ये कहा गया था हर एक वर्ग को जगह दी जाएगी, फिर वो युवा हो, महिला हो, हर एक का प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि इस लिस्ट में महेश जोशी और शांति धारीवाल का नाम नहीं है। तो राजस्थान से बने 50 AICC सदस्य, ये लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है और ये जानकारी भी। लिस्ट में लगभग सभी मंत्रियों के नाम हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि शांति धारीवाल का नाम नहीं है, महेश जोशी का नाम नहीं है, ये बड़ी खबर है। और अगर इस लिस्ट की बात की जाए तो सामान्य से 14, OBC से 28, SC से 5 और ST वर्ग के 3 चेहरे लिए गए हैं। और हाल ही में रायपुर में मंथन भी होना है और यही AICC सदस्य पहुंचेंगे, मंथन भी होगा। लेकिन नामों को लेकर जिस तरह से मंथन चल रहा था, विचार विमर्श चल रहा था, क्योंकि पिछली बार 70 से ज्यादा नाम थे, इस बार नाम थोड़े कम है, 50 नाम है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अदिति, बड़ी बात यह है क्योंकि 50 AICC सदस्य राजस्थान से बने हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में सभी मंत्रियों के नाम है, कुछ विधायकों के भी नाम है, लेकिन महेश जोशी और शांति धारीवाल का नाम नहीं है इस लिस्ट में। बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक जो तमाम सवाल है उनका मैं जवाब दूंगी। पहला, ये बात, पिछली बार 72 नाम थे जो AICC सदस्य थे, इस बार 50 हैं। और अगर हम बात करें, जैसा आपने बताया, इसमें आपने कहा कि 14 जनरल हैं, 28 OBC हैं, 5 SC हैं, 3 ST हैं। इनका और अगर फर्दर बाइफरकेशन करें तो जाट 12 हैं, SC 5 हैं जिसमें एक महिला है, जाट में से 2 महिला हैं, गुजर 6 हैं, 1 महिला है, वहीं ब्राह्मण 6 हैं, मुस्लिम 4 हैं, राजपूत 4 हैं, ST 3 हैं, जैन 2 हैं, महाजन 2 हैं, माली 2 हैं, यादव 1 है, कुमावत 1 है, पंजाबी 1 है और जट सिख 1 है। अब ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये बैठक हुई थी अभी हाल ही में, जब प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष गए थे जी, तो अब कैसे मिश्रण हो पूरे राजस्थान में से, कैसे रिप्रेजेंटेशन हो सभी जातियों का, क्योंकि जो अभी 24-25-26 को जो ये बैठक है इसमें रिप्रेजेंटेशन होगा, वहाँ पे जो संकल्प लिया जाएगा, वहाँ पे जो तमाम बातें होंगी वो हर वर्ग तक पहुंचे, क्योंकि यही तमाम नेता लोग वापस आएंगे तो अपने वर्ग में बताएंगे कि कांग्रेस की क्या सोच है। दूसरी बड़ी बात, ये 50 लोग बेहद कॉन्फिडेंशियल इसलिए हैं जी, क्योंकि यही 50 लोग CWC के चुनाव जब होंगे, 23 में से 12 सदस्य, एक बार फिर दर्शकों को बता दें CWC वो कमेटी होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो सारे बड़े फैसले एक साथ मिलकर तय करती है, तो उसमें से 12 वो सदस्य होंगे जिनका इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में ये 50 लोग दूसरे राज्यों से भी आएंगे पर राजस्थान से पर्टिकुलरली ये 50 लोग उनको वोट करेंगे। तो ये 50 लोग बेहद कांग्रेस के कॉन्फिडेंशियल लोग होने चाहिए, क्योंकि देखिए दीपिका आप भी कह सकती हैं, मैं भी कह सकती हूँ कि अगर मैं सदस्य हूँ कांग्रेस की तो मैं कह सकती हूँ मैं भी CWC की मेंबर बनना चाहती हूँ, पर अब वो सदस्य जो ये 50 लोग हैं AICC मेंबर, ये चयन करेंगे कि अदिति बनेगी या दीपिका बनेगी,
तो वो कांग्रेस उस तरीके से देखेगी। अब बड़ी बात आती है कि लंबे समय से डिसिप्लिन की बात थी और लंबे समय से एक वर्ग की ये मांग थी कि जो 25 सितंबर की घटना हुई उसमें तीन लोग, महेश जोशी जी, दूसरे शांति धारीवाल जी और तीसरे जो उनका तीसरे जो तीन लोग थे धर्मेंद्र राठौर, ये तीनों जो हैं इन पर एक्शन हो। अब ये दो हैं जो दोनों मंत्री हैं, जब सारे मंत्रियों की लिस्ट है तो फिर लिस्ट में नाम है तो इन दोनों का नहीं है। अब ये इसको ऐसे देखा जा सकता है कि क्योंकि अभी कांग्रेस के हाई कोर्ट में यानी आला कमान के कोर्ट में अभी तक इस पे कोई फैसला नहीं लिया गया है जी। इनको अभी तक इन्होंने इनसे इन पे इनको कन्विक्ट किया गया, इनको कहा गया कि आपकी गलती थी, इन्होंने अपनी जवाबी कार्रवाई भी दे दी, लेकिन इन पे क्योंकि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया इसलिए अभी इनको AICC सदस्य नहीं बनाया गया। और अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये कार्यकारिणी में नहीं जा सकेंगे, कार्यकारिणी के सदस्य नहीं बनेंगे। ये हो सकता है कि इन पे अगर कोई फैसला बाद में लिया जाए और इनको बरी कर दिया जाए, इनका जो इनकी तरफ से जो जवाब आया है उस पर ये फैसला हो कमेटी का, डिसिप्लिन कमेटी का, कि ठीक है जो भी हुआ वो उस दिन कांग्रेस के वजह कांग्रेस के हित के लिए हुआ या इन्होंने कांग्रेस के अच्छे सोचने की वजह से किया, तो हो सकता है उनको बाद में सदस्य बना दिया जाए। क्योंकि परसेंटेज के लिहाज से 414 PCC सदस्य हैं और 15% बनाने होते हैं, उस लिहाज से नंबर कम है, लगभग 60 के आसपास बनने चाहिए। तो एक बार फिर आपको बताएं कि दो वजह हो सकती है महेश जोशी जी और शांति धारीवाल के नाम यहाँ से गायब होने की। पहला कि नाराजगी, इस वजह से उनको इस कोर कमेटी टाइप जो कह सकते हैं कि AICC मेंबर नहीं बनाया गया जिससे वो कार्यकारिणी में ना हो, या अभी उन पर कोई फैसला नहीं लिया गया है इसलिए क्योंकि उनपे अभी तलवार लटकी है, या कह सकते हैं कि उस कोर्ट में आला कमान की कोर्ट में अभी तक उनको बरी नहीं किया गया है इसलिए फिलहाल वो अभी उसमें उनको नहीं रखा गया है। लेकिन बड़ी बात है, आज आपने अगर पूरी बजट की कार्रवाई देखी होगी तो महेश जोशी का जो एक्शन, महेश जोशी का जो रोल देखा, जो पूरी कार्रवाई होती है विधानसभा की, उसमें महेश जोशी मुख्य सचेतक हैं, उनका रोल होता है, तो उनको अभी इस पूरी कार्यकारिणी में नहीं जा नहीं क्योंकि नाम नहीं है तो वो नहीं जा सकते, उनके पास फोन भी नहीं आए क्योंकि इन 50 लोगों के फोन जा चुके हैं कि आपकी क्या स्केड्यूल रहेगा, आप कैसे पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। तो अब इस खबर का पूरा लबलुआब यह है कि पूरे उस तरीके से कि हर वर्ग से लोग पहुंचे, महिला भी हों, SC भी हों, ST भी हों, माइनॉरिटी भी हों, तमाम लोग इसमें दिख रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक खेमा लगातार ये मांग कर रहा था कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई तो अभी तक हुई नहीं, लेकिन क्योंकि अभी तक इन पर फैसला नहीं हुआ इसलिए इन दोनों के नाम इससे नदारद हैं लिस्ट से। और अब ये कार्यकारिणी यानी 24, 25, 26 को होने वाले राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक के ये मेंबर नहीं होंगे, वहां पर ये नहीं होंगे। अब ये देखना होगा कि ये नाराजगी का फल है और ये पनिशमेंट है, या फिर क्योंकि अभी तक इन पे कोई फैसला नहीं हुआ और फैसला हो जाता है और ये बरी हो जाते हैं तो हो सकता है ये बाद में सदस्य। अभी इन पर फैसला नहीं हुआ है, अब देखना होगा नाम शामिल होता है या नहीं। आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और विस्तार से अपडेट अपने हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो देखिए, राजस्थान से 50 AICC सदस्यों की लिस्ट आ चुकी है और बड़ी बात यह है कि लगभग सभी मंत्री और विधायकों को इसमें जगह मिली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि शांति धारीवाल और महेश जोशी का नाम इसमें नहीं शामिल है, तो वेट एंड की कंडीशन है। आगे क्या इनका नाम शामिल होता है या फिर कुछ और निकलकर सामने आता है, बताएंगे आपको। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटेंगे।